नमस्कार, आज बात करेंगे सचिन पायलट को उनकी जाति यानी गुजर जाति से मिलने वाले समर्थन के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि गुड़गांव के गांव रिठौज में एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सचिन पायलट के समर्थन में बातें कही जाएंगी और ये कहा गया है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है और इससे गुजर समाज के लोगों में गुस्सा है, वो नाराज हैं और वो इस एक महापंचायत करने जा रहे हैं और इस महापंचायत में 26 जुलाई को बताया गया है कि महापंचायत होगी और इस महापंचायत में कांग्रेस को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि वो सचिन पायलट के बारे में जो उसके फैसले हैं उनको वापस ले ले और सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। आप देख रहे हैं satyahindi.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में भाग लीजिए और डिस्क्रिप्शन आर्थिक भुगतान का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गुजर समाज के सपोर्ट की सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ग्रेटर नोएडा के बैतपुरा गांव के रहने वाले थे और गुजर जाति से संबंधित थे और गुजरों के एक बड़े नेता माने जाते थे। सचिन पायलट जब अपने पिता के बाद राजनीति में आए तो उनको भी उनके पूरे समाज का सपोर्ट मिला और उत्तर प्रदेश वेस्ट के इलाकों में जब वो केंद्रीय मंत्री थे या जब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उत्तर प्रदेश वेस्ट के इलाकों में या दिल्ली में उन्हें काफी पसंद किया जाता था और कांग्रेस के अंदर एक ऐसे अकेले गुजर नेता थे हैं सचिन पायलट जो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे थे, लोकप्रिय भी है और युवाओं में एक चर्चित चेहरा भी है। अपनी जाति के अलावा बाकी जगह भी उन्हें ठीक अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा था और जब राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें अगर आप चुनाव नतीजों को देखेंगे बारीकी से तो ये दिखाई देता है कि गुजरों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट कांग्रेस को मिला था, क्योंकि गुजरों को लगता था, उनके समाज को ये लगता था कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी और इसे लेकर उनका बहुत बड़ा समर्थन उन्होंने कांग्रेस को दिया था और तब लगभग जो मेरे पास आंकड़ा है 12 सीटों पर टिकट दिया था कांग्रेस ने गुजर कैंडिडेट्स को और उसमें से 7 जीते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के को बहुत ज्यादा सफलता के गुजर कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो ये एक कारण था और इसके अलावा जो राजस्थान में आबादी है 9-10% है वहां पर गुजर आरक्षण के लिए बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला है और वो आंदोलन वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश हरियाणा और बाकी जगहों पर भी फैला है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर या दिल्ली NCR के आप इलाकों को ले लें तो यहां पर गुजर समाज गुजर जाति का प्रभुत्व है, वर्चस्व है और राजनीति में एक जिसे कहा जाना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से लेकर विधानसभा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख लें तो किसान जाति और आर्थिक रूप से संपन्न जाति के रूप में गुजरों को जाना जाता है और अब जब वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है और उनके कुछ नेताओं ने इस बात को उनके समाज के नेताओं ने इस बात को कहा है कि वो लोग महापंचायत करेंगे सचिन पायलट के समर्थन में क्योंकि उनके समाज के एक युवा नेता के साथ नाइंसाफी हुई है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस इस विरोध को या इस गुस्से को कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि अगर सचिन पायलट की नाराजगी दूर नहीं होती है या अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो इससे एक मैसेज जो दिल्ली में गुजर समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ है या जो नेता हैं उनके अंदर एक मैसेज जाएगा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर या हरियाणा में फरीदाबाद पलवल तक गुजर समाज के लोग बड़ी संख्या में, तो वहां तक भी एक मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी की, उनके साथ जो उन्होंने कहा उनकी बातों को नहीं सुना गया, तो कांग्रेस को इससे निपटने की चुनौती होगी कि कैसे वो समाज के लोगों को समझा सके कि उसका क्या स्टैंड है और वो क्या कहना चाहती है। तो और राजस्थान में क्योंकि सचिन पायलट और उनके पिताजी राजेश पायलट वहीं राजनीति करते रहे तो वहां पर जो गुजरों की आबादी है 9-10%
और तो वहां भी कांग्रेस को एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली थी सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। तो युवा चेहरा है और उन्होंने कांग्रेस के संगठन के लिए जमीन पर काम भी काफी किया है, तो देखना है होगा कि जिस तरह गुर्जर समाज ने कहा है कि वो महापंचायत करेंगे, अपने नेता के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे, तो ये क्या आवाज कांग्रेस आलाकमान तक, हाई कमान तक पहुंचती है, और क्या वो इस समाज के लोगों के आक्रोश को शांत कर पाएगा, कांग्रेस आलाकमान उन्हें समझा पाएगा, और कितनी जोर से, कितनी मजबूत आवाज समाज के लोग बुलंद कर पाते हैं, और कितनी आवाज कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचती है, और वो उनकी कितनी मांगों को मान पाएगा सचिन पायलट की, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजस्थान के अंदर जो संग्राम है, गहलोत और पायलट विवाद, वो अपने चरम पर है, और देखना है होगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं, क्या वो कोई मोर्चा बनाते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, या वो कांग्रेस में ही रहते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।